बीएससी फर्स्ट ईयर के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटी, यानी विभिन्न प्रकार की आणविक वेग। अब अलग अलग प्रकार के आणविक वेगों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो आणविक वेग हमें मिलेगा उसको हम लोग तीन अलग अलग टाइप से बांट सकते हैं, यानी विभाजित कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तीन अलग अलग वेलोसिटी की। सबसे पहली जो वेलोसिटी आपको मिलेगी, मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली है मीन और एवरेज वेलोसिटी। पहली है मीन और एवरेज वेलोसिटी, इसको माध्य या औसत वेग भी कहा जाता है, औसत या माध्य वेग। अब मीन एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं? तो गैस के जो अणु होते हैं वो विभिन्न वेग से गति करते हैं। तो गैस के अणु क्या होते हैं? अलग अलग वेलोसिटी से, अलग अलग वेग से गति करते हैं। किसी गैस में उपस्थित सभी अणुओं के वेगों का योग को अणुओं की कुल संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे गैस का औसत वेग या माध्य वेग कहते हैं। इसे सी बार या फिर वी से प्रदर्शित किया जाता है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटीज। अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटीज पजेस बाय द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इट इज यूजली एक्सप्रेस्ड बाय सी बार और वी। इट इज द एयर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर सपोज टू हैव डिफरेंट वेलोसिटी। हमने ये कहा कि हमारे पास में गैस के अणुओं की संख्या एन है, ठीक है? गैस के अणुओं की संख्या क्या एन है? तो हम लिख सकते हैं गैस में उपस्थित सभी अणुओं के वेगों का योग। तो हम लिख रहे हैं गैस में उपस्थित सभी अणुओं के वेगों का योग बाय क्या हो सकता है, उसको हम एन लिखें। तो एन लिखेंगे गैस के अणुओं की कुल संख्या, गैस के अणुओं की कुल संख्या, यानी इंग्लिश में लिखना चाहें तो सी बार या वी इक्वल टू लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ टोटल गैस मॉलिक्यूल। क्लियर है? हम लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ टोटल गैस मॉलिक्यूल बाय नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो इसको लिखेंगे v इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी एन बाय क्या हो जाएगा, a। क्लियर है? तो ये हमारी क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अगली वेलोसिटी। अगली जो वेलोसिटी होगी, एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक और लिखने का तरीका इसका यह है कि यदि हमारे पास में एनवल मॉलिक्यूल है और उसकी वेलोसिटी वी वन है, तो हम इसको लिखेंगे एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू प्लस एन थ्री वी थ्री प्लस एन एन और वी एन। और इसके अपोन में क्या हो जाएगा? तो इसके अपोन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन एन। क्लियर? तो ये तो क्या हो गई, टोटल यहाँ पर वेलोसिटी हो जाती है। अब यदि हम ये कहें तो इस वेलोसिटी को हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी।
और ऊपर वाली वेलोसिटी को मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है उसको क्या बोलते हैं, मीन वेलोसिटी। क्लियर है। अब यदि हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन नियम के आधार पर चलें तो इस वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे सी बार इक्वल टू रूट में आ जाएगी वैल्यू, तो रूट एट आर टी बाय पाई एम। ठीक है, एक और हो सकते हैं, हम लोग जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है, आर टी। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, एट पीवी बाय पाई एम। और एक और तरीके से इसको लिखा जा सकता है, अब इस पीवी को हम क्या लिखें, तो हम जानते हैं वी बाय एम इक्वल टू क्या होता है, डी होता है, तो हम लिखेंगे एट पी बाय पाई डी। क्लियर है। तो ये किसके बेसिस पर आ गई, ये आ गई है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बेसिस पर। क्लियर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बेसिस पर हमें मिल जाती है और इसे हम बोलते हैं मीन और एवरेज वेलोसिटी। आगे चलते हैं, आगे बात करते रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सेकंड है हमारे पास में पॉइंट, वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कौन सी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हिंदी बोले तो वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल वेग। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी वर्ग माध्य मूल वेग, हमारे पास में जो वेलोसिटी थी उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो हम कहें इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज और स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इट इज डिनोटेड बाय यू, इसे डिनोटेड किया जाएगा यू से। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी गैस में उपस्थित सभी अणुओं के वेगों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल उस गैस का वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। कैसे कहलाता है, तो यू इक्वल टू सबसे पहले बात हुई रूट मीन स्क्वायर यानी रूट आ गया, अब बात हुई कैसे वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर प्लस वी थ्री का स्क्वायर प्लस वी एन का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल यानी कि एन हो जाता है। क्लियर है। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा एन वन वी वन का स्क्वायर। क्लियर है। आगे बात करें तो एन टू वी टू का स्क्वायर प्लस एन थ्री वी थ्री का स्क्वायर प्लस एन एन वी एन का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू प्लस एन थ्री वी थ्री प्लस एन एन को वी एन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या बात हो गई, ये बात हुई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। क्लियर है। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को यदि हम काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन यानी आणविक गतिज ऊर्जा के अनुसार बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं पीवी इक्वल टू वन बाय थ्री एम एन सी स्क्वायर। क्लियर है। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक, ये कौन सी हो गई, और इस एम एन सी स्क्वायर को यू स्क्वायर के भी लिख सकते हैं। कैसे, तो हम लिखेंगे पीवी इक्वल टू वन बाय थ्री एम एन यू स्क्वायर। क्लियर है। एम एन यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको हम एम एन यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, और भी अलग अलग तरीके से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हम आर एम एस वेलोसिटी की तरफ चलें, तो इसको कैसे शो कर सकते हैं। अभी आर एम एस वेलोसिटी को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको लिखेंगे आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यू इक्वल टू थ्री पी वी, पी एन प्रेशर, वी एन ए वॉल्यूम, ये किसके अपॉन हो जाएगा, एम के। और इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं, थ्री आर पी बाय एम लिखा जा सकता, और भी लिखना चाहे तो थ्री पी बाय डी भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये बात है हमारी किसकी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। ठीक,
अब हम ये कहें कि काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, तो वो रूट मीन स्क्वायर के इक्वल हो सकती है, ठीक है, और उसके बेसिस पर आप औसत वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे जो दिया हुआ है हमें उसको बोलते हैं हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं, तो थर्ड कंडीशन क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, हिंदी में यदि हम लोग बोले तो इसको कहा जाता है प्रायिकतम वेग। अब ये प्रायिकतम वेग क्या होता है, तो यदि मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैन बी ट्रीटेड मैथमेटिकल टू गेट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यदि हम लोग कहें तो कह सकते हैं कि किसी ताप पर गैस के संपूर्ण अणुओं में से अधिकांश अणुओं का वह फ्रैक्शन जो एक समान वेग से, यानी मोस्ट एक समान वेग यानी कि सेम स्पीड से सेम वेलोसिटी से जो गति करता है उसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा कहते हैं, और इस अल्फा को हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो अल्फा इक्वल टू 2RT बाय क्या था सभी के अंदर m था, तो यहां पर भी m आ, इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 2PV बाय m लिखा जा सकता है, क्लियर है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी हो गई, हमारा ये प्रायिकतम वेग हो गया, और एक और तरीके से लिखना चाहे तो 2p बाय d हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने तीन वेलोसिटी पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, एक तो हम लोगों ने पढ़ी मीन एवरेज वेलोसिटी, अभी हम लोगों ने तीन वेलोसिटी पढ़ी है। तीन वेलोसिटी में जो पहली वेलोसिटी थी हमारी उसको हमने नाम दिया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सेकंड को नाम दिया हमने एवरेज वेलोसिटी, और तीसरी वेलोसिटी को नाम दिया RMS वेलोसिटी। अब इन तीनों वेलोसिटी में क्या संबंध हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है, उस रिलेशन की तरफ हम चलते हैं। हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन थ्री वेलोसिटी, यानी तीनों वेलोसिटी में क्या है। सबसे पहली हमारी थी प्रायिकतम वेग, ठीक है, प्रायिकतम वेग जिसे हम प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, ये थी अल्फा इक्वल टू 2RT बाय क्या लिखा था हम लोगों ने पाई, ठीक है, सॉरी 2RT बाय m, ये हमारी थी सबसे पहली प्रोबेबल वेलोसिटी यानी प्रायिकतम वेग। दूसरा जो था उसको हमने कहा था औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी जिसको हमने v से रिप्रेजेंट किया था, और इसको लिखा जाता है 8RT बाय पाई m। तीसरी जो वेलोसिटी होती है उसको RMS वेलोसिटी यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है, इसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको लिखा जाएगा CRT बाय m। अब इन तीनों में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यदि हम करें यहां पर कि अल्फा और V और U ये तीनों एक दूसरे के अनुपात में होते हैं, एक दूसरे के क्या रेशो में। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2RT बाय m, उसके बाद चले v की वैल्यू 8RT बाय 5m, और उसके बाद में 3RT बाय m, ये तीनों दे रखी है। करना क्या है अब इनको सॉल्व करें, तो हम तीनों में एक चीज कॉमन देख रहे हैं RT बाय m, RT बाय m, RT बाय m, यदि इसको सॉल्व करें तो आपको यहां दिख रहा है रूट टू, उसके बाद में आ रहा है 8 बाय पाई, और उसके बाद में आपको दिख रहा है रूट 3, क्लियर। अब जब हम सॉल्व करें तो रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, अब पाई की वैल्यू होती है 22.7, और इसका हम क्या कर रहे हैं 8 से डिवाइड करते हैं उसका रूट निकालें, तो इसकी वैल्यू 1.595,
क्लियर है। उसके बाद रूट थ्री, रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732। क्लियर है। तो तीनों की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। तो हम यहां पर रिलेशन देखें तो आपको रिलेशन क्या रहा है, तो देखें तो अल्फा वी और यू का रिलेशन 1.414, 1.595 और 1.732। यदि इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल करके लिखूं तो हम लिख सकते हैं अल्फा वी और यू, इसको यदि हम लिखने की कोशिश करें तो अल्फा को यदि हम 1 मान लें, सपोज 1.41 के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, 1.59 के प्लेस पर लिख दिया 1.128 लिख दिया, और 1.732 के प्लेस पर लिख दिया 1.224 लिख दिया। क्लियर है। तो ये तीनों की हमने अलग अलग वैल्यू लिख दी। जब हमने तीनों की अलग अलग वैल्यू लिख दी और इसको सॉल्व करें तो हम यहां पर निकाल रहे हैं हम एवरेज वेलोसिटी, यानी औसत वेग, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू हम लिख सकते 0.9218 इंटू क्या हो जाएगा, आरएमएस वेलोसिटी या आरएमएस वेग। इसी टाइप से यदि हम प्रायिकतम वेग निकालें तो प्रायिकतम वेग यानी प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा इक्वल टू क्या हो सकता है, तो 0.816 इंटू आरएमएस वेलोसिटी। ठीक है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि हमें वी अल्फा और यू के मान निकल कर आ गए। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग यू की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में वी की होती है और उसके बाद अल्फा का मान आ जाता है। यदि हम इसको ग्राफ से समझें तो इससे पहले वाले हमने जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने ग्राफ से बनाया था, इधर हमने बनाया था फ्रैक्शन और इधर हमने लिखा था वेलोसिटी और ग्राफ को प्लॉट किया था। तो हमें इस टाइप का ग्राफ मिल जाता है। इस ग्राफ में हमारे लिए ये सबसे पहला पॉइंट था जिसको हम आर अल्फा बोलते हैं, जिसको कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सेकंड होती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है वी से, और उसके बाद आती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि यू। तो हम ये कह सकते हैं इनसे ये क्लियर होता है कि किसी दिए गए ताप पर किसी गैस का औसत वेग उच्चतम प्रायिकतम वेग से अधिक होता है तथा संगत वर्ग माध्यमुगुल वेग से कम होता है। यानी एट ए फिक्स टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ गैस इज हाई एट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी, बट आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, लेस हो जाता है। क्लियर है। अर्थात ये कह सकते हैं कि गैसों के जो मॉलिकुलर वेलोसिटी होती है उनकी परिकल्पना में गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसकी वैल्यू आर की वैल्यू अर्ग पर मोल पर केल्विन में रखी जाती है। क्लियर है। और इसके बेसिस पर हम तीन वेलोसिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कोलिजन नंबर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड कोलिजन डायमीटर। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप लोग देखिएगा। तब तक नमस्कार।